हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टी एस टेलर पॉइंट के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं डबल कलर की शर्ट किस तरह से कटिंग की जाती है। तो यहां पर हमने डबल कलर की शर्ट ली है, इसी को कटिंग करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शर्ट का नाप देख लेते हैं। लंबाई है 27 इंच, सीना है 33 इंच, शोल्डर 18 इंच, आस्तीन 24 इंच और कॉलर है 13.5 इंच। तो इन्हीं नापों से दोस्तों आज हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शर्ट को इस तरह से बिछा लिया है। ये देखिए, इस तरह से बिछाएंगे डबल करके, और ये जो कलर है इसको फ्रंट में रखेंगे और जो व्हाइट है इसको हम बैक में रखेंगे। शर्ट की लंबाई है 27 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। दोनों तरफ दबाव रहेगा, ऊपर तरफ और नीचे तरफ, तो 1 इंच प्लस करेंगे और 28 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लेट के लिए लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लेट के लिए लेंगे दोस्तों तो इस तरह से हम यहां से निशान लगाएंगे। यहाँ पर आ रहा है देखिए दोस्तों 1.25 इंच और 1 सूत, लेकिन यहीं से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। इसके बाद शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे, तो हमारा जो शोल्डर है 18 इंच है, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। सीना है 33 इंच, तो 33 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.25 इंच, तो यहाँ पर आर्म होल का निशान हम 8.25 इंच रखेंगे। कॉलर है 13.5 इंच, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच और 1 सूत लेंगे। तो यहां से ये देखिए दोस्तों, इस लाइन से हम 2.25 इंच और 1 सूत लेंगे, और ऊपर से नीचे जो हाला रहता है उसके लिए हम 2.5 इंच लेंगे। यहां पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे 9 इंच, तो इस निशान से ये देखिए प्लेट वाले निशान से हम 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और 1/2 इंच दबाव के लिए लेंगे तो 9.5 इंच। इसके बाद यहां पर भी हम शोल्डर का हाफ रखेंगे, ये देखिए 9 इंच यहां से प्लेट वाले निशान से, और आर्म होल को शेप देने के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इसके बाद यहीं पर सीने का निशान लगाएंगे, तो सीना है 33 इंच, 33 का चौथा हिस्सा करेंगे 8.25 इंच, और इसमें 2.5 इंच लूजिंग देंगे, तो 1, 2 और ये 2.5, 11.5 इंच। तो यहां से ये देखिए प्लेट वाले निशान से हम 11.5 इंच रखेंगे। जितना हम सीने पे निशान लगाए हैं उतना यहाँ बॉटम में लगाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से। इसके बाद बॉटम से सीना तक जब शेप देंगे, तो ये देखिए हल्का राउंड शेप देंगे, राउंड फंटी से शेप देंगे इस तरह से। यहां पर हम ये देखिए लगभग 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ओपन शेप दे देंगे। यहां पर 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और आर्म होल को शेप देंगे, ये देखिए इस तरह से राउंड कर लेंगे। कॉलर को भी इस तरह से राउंड करेंगे। यहां पर ये देखिए प्लेट के पास बॉटम में कट लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बैक की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो बैक की कटिंग हम यहां पर करेंगे, इस तरह से डबल करके फोल्ड करेंगे। इसके बाद जितना हम फ्रंट में सीने का निशान लगाए हैं, तो हमने फ्रंट में सीने का निशान 11.5 इंच पे लगाया है, तो हम बैक को 1/2 इंच माइनस करके निशान लगाएंगे, तो हम 1/2 इंच बैक को कम रखेंगे, तो यहाँ पर 10.25 इंच लेंगे। तो यहां से हम ये देखिए दोस्तों 10.25 इंच पे पहले निशान बना लेंगे।
फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और यहां पर शोल्डर ज्वाइंट के लिए बैक पार्ट को डाउन करेंगे। तो यहां पर ये देखिए हमने शोल्डर को डाउन किया था 2.25 इंच, तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे 2.25 इंच, और यहां पर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ किनारे पे रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों जहां पे हमने निशान लगाया है इसको इस तरह से रखेंगे सीना को, ये देखिए इस तरह से। यहां पर बैक में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर का हाफ होगा 9 इंच, हाफ इंच दबाव के लिए 9.5, तो यहां से हम 9.5 इंच लेंगे। यहां पर ये देखिए हम बॉटम में इस तरह से निशान बना लेंगे। यहां पर हल्का राउंड करेंगे। यहां पर जब बॉटम की कटिंग करेंगे तो 2 सूत कम कटिंग करेंगे और यहां लाकर मिलाएंगे। यहां पर बैक में सेंटर का कट लगाएंगे। यहां पर दोस्तों हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम डबल करके फोल्ड करेंगे। इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। आस्तीन की लंबाई है 24 इंच, तो इसमें 1 इंच माइनस करेंगे और 23 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ इंच दबाव रहेगा, तो 1 इंच माइनस करेंगे। तो यहां पर हम 23 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान यहां पर और लगा लेंगे। इसके बाद आर्म होल डाउन का निशान लगाएंगे, तो यहां पर हम 3.5 इंच डाउन करेंगे और यहां से यहां आर्म होल का निशान लगाएंगे। हमने आर्म होल लिया था 8.25 इंच, तो यहां पर भी हम 8.25 इंच लेंगे। यहां पर हम मोहरी का निशान लगाएंगे, तो यहां पर हम 5.5 इंच लेंगे। इसके बाद राउंड फंटी से शेप देंगे, ये देखिए हल्का राउंड करेंगे। यहां पर इस तरह से हम राउंड कर लेंगे। यहां पर इस तरह से सेंटर का कट लगाएंगे। इसके बाद यहां से 2 पल्ले उठाएंगे, इस तरह से 2 पल्ला नीचे रहेगा, 2 पल्ला उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहां पर चाक पट्टी का निशान लगाएंगे, तो हम चाक पट्टी के लिए 5 इंच लेंगे और जब इसकी कटिंग करेंगे तो जहां से हम निशान बनाए उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। इसके बाद एक साइड हम डाउन करेंगे, जिस साइड हम चाक पट्टी का निशान लगाए हैं उसके अपोजिट साइड डाउन करेंगे। तो ये देखिए यहां पर हमने एक साइड को डाउन किया है, ये जो डाउन किया हुआ पार्ट है ये फ्रंट में आएगा और जिस तरफ हम डाउन नहीं किए हैं वो बैक में। इसके बाद हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, यहां पर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो हमने बैक पार्ट को डाउन किया था 3.5 इंच, तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 5.5, तो यहां से ये देखिए 5.5 इंच लेंगे इस निशान से। यहां पर भी सेम निशान लगा लेंगे 5.5। शोल्डर की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो हमारा जो शोल्डर है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे 9 इंच और हाफ इंच दबाव के लिए तो 9.5, तो यहां से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम निशान यहां पर भी लगाएंगे। अब यहां पर हम 2 सूत एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, तो ये देखिए 10.5 इंच
इसके बाद यहां पर हम कलहर का निशान लगाएंगे। तो हमने फ्रंट में कलहर लिया था 2.25 इंच और 1 सूत, क्योंकि हमारा जो कलहर 13.5 इंच था तो हमने 2.25 इंच और 1 सूत लिया था। तो यहाँ पर हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा निशान लगाया है, तो यहाँ पर भी हम 2 सूत प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच 1 सूत लेंगे और यहां से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच लेंगे। यहां इस तरह से हम राउंड करेंगे। यहां से यहां जब शेप देंगे तो राउंड फंटी से देंगे। यहां पर सेंटर का कट लगाएंगे और यहां पर भी।